तो कैसे हो यार तुम लोग। तो आई होप कि सारे के सारे बढ़िया होंगे। तो आज हम पीटर के रूम के उस डोर को ग्लिच की मदद से ओपन करने वाले हैं। देखो ऐसा कोई अपडेट नहीं आया जिसके मदद से हम पीटर के रूम को ओपन कर सके, लेकिन आज एक ऐसा ग्लिच ढूंढ के लाया हो ना जिसकी मदद से हम पीटर के रूम के अंदर जा सकते हैं, और यही ग्लिच आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सुनो ना भैया, पहले उधर देखो, वो देखो क्या है उधर। अभी बताती हूँ, थोड़ा सा इधर तो आओ। पहले तुम्हारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया और तुम्हारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, ये बात हमें इस अंकल ने बताई। ये बात क्या सच है भैया? सच में आपका चैनल मोनेटाइज हो गया? क्या सच में इन्होंने तुम्हें बताया? क्या बात है मेरी, तू तो बहुत चलाक हो गई है। तो फाइनली यार आज अपना चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और इस खुशी का पूरा श्रेय जाता है आप सभी को, क्योंकि आप सभी के मदद और सपोर्ट से ही मैं आज इतना दूर तक पहुँच पाया। सो थैंक यू सो मच यार इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। आप लोग इसी तरह मेरे ऊपर प्यार बरसाते रहो, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और इसी मेहनत के बदौलत आज हम पीटर के उस रूम को ग्लिच की मदद से ओपन करने वाले हैं। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख ले। क्या यार उस्ताद, तुम तो रेंचो को भूल ही गए यार। अबे नहीं यार रेंचो, तुझे भूला नहीं यार, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। अरे हम दोनों साथ में ही है ना, तुझे बताने का क्या जरूरत है? तुझे पता नहीं है कि अपना चैनल मोनेटाइज हो गया? ओके ओके यार उस्ताद समझ गया, अपनी ऑडियंस बहुत ज्यादा होशियार है यार, तुम्हारे तरह थोड़ी ना है। तो अपने ऑडियंस को थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल लाते हैं इसके डांस की मदद से। म्यूजिक यार मजा आने है। हेलो पीटर अंकल यार, तुम्हारा आप डांस देखते हैं। म्यूजिक पुतुल दे झुनमन दड़ ढिलमड ढुनमा, क्या बोल रहा था यार उसका समझ में नहीं है। हेलो अब तुझसे डांस करवाएगा। अबे साला रुक रुक, ए पुलिस वाले अंकल यार तू भी रुक जा यार, जा आइला इसका मुंह किधर है रे बाबा। हां ये साला नहीं सुधरेगा, तू जा यार। अबे रेंचो क्या कर रहा है यार? देखो हम लोग को पीटर के उस रूम को ओपन करना यार ग्लिच की मदद से, तुम क्या कर रहा है? क्या यार उस्ताद, देखो पीटर के उस रूम को तो ओपन करेंगे यार, लेकिन अपनी ऑडियंस की खुशी भी जरूरी है यार, समझा करो। हाँ ठीक है समझ गया, अब फाइनली काम के ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखो ग्लिच करने के लिए हमें बहुत सारे बॉक्स का जरूरत पड़ेगा, जो कि मैंने बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, और फाइनली जो भी बचा है इसको लेके हम ऊपर चलते हैं उस पीटर के रूम के आगे सामने यार जहाँ पे गेट है ना वहीं पे ले जाना है, और यहाँ पे एक बॉक्स से काम नहीं चलने वाले, इसीलिए मैंने बहुत पहले वहाँ पे बहुत सारा बॉक्स इकट्ठा करके रखा है। तो चलो यार चलते आगे, और अपना बॉक्स सारा का सारा यहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि यार बहुत पहले मैंने यहाँ पे लाके इकट्ठा करके रखा था इसको, और इसके ऊपर पे रखने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, इसके ऊपर जंप मारते हैं। अबे यार नहीं जा रहा, ये बहुत ज्यादा टेंशन होता है यार, हमें उसके ऊपर रखना है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखना है, ताकि हम पीटर के उस दरवाजे से के लेवल यानी उसका जो सीढ़ी है ना उसके लेवल का बना दे। तो इसके लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, और नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाओ यार। हाँ और यहाँ पे आ चुके, अबे यार फिर से नीचे गिर गए, यहाँ से तो नहीं होगा, एक बार जंप मार के देखते हैं, चला जाए। अबे यार नहीं हो रहा यहाँ से। अबे नीच इंसान, सॉरी यार उस्ताद जी, यार सीढ़ी के ऊपर से जाना यार, धीरे धीरे रखो, यहाँ से नहीं होने वाला यार, क्या कर रहे हो तुम? एक तो साला खांसी हो रखी है, ऊपर से तुम मजाक कर रहा सवेरे सवेरे मेरे साथ। अबे मजाक नहीं कर रहे बे, ये साला जा नहीं रहा ऊपर, और इसको रखना जरूरी है क्योंकि इसकी मदद से हम लोग ग्लिच कर पाएंगे, ऐसे नहीं होगा ये। तो एक काम करते हैं यार, सबसे पहले बॉक्स को हटाते हैं, क्योंकि यार वहाँ से ऐसे देखो ये भी टेढ़ा हो चुका है, कैसे जाएगा उसके ऊपर तो रहेगा नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ही सबको हटाते हैं। एक मिनट यहाँ से जाएगा क्या, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ऊपर जाओ। अबे यार नहीं हो रहा। एक मिनट यार, सबसे पहले बॉक्स को हटाना, उसके बाद एक के ऊपर एक रखना यार, ऐसे करने से थोड़ी ना होगा उस्ताद। ठीक है अब तुम्हारे बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, सबसे पहले यार यहाँ से बॉक्स को हटाते हैं। सो यार जब तक हमारे उस्ताद यार मेहनत कर रहे हैं, देखो यार तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है यार, और अपना सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा कम है, अपने को यार बहुत बड़ा फैमिली बनाना है ब्रो। तो यार प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारा उस्ताद जी तो अब इसी में पता नहीं यार कितना ज्यादा मेहनत करेंगे। हाँ इस बार लगता हो जाएगा उस्ताद जी, पीछे आओ थोड़ा सा, पीछे आओ थोड़ा सा। हाँ अब फेंको चला गया। अबे रुक बे, इस बार तो मैं पक्का ही रखूंगा उसके ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ से सबसे पहले ऊपर चलते हैं, और एक बार यार धीरे धीरे से पीछे आके किसी तरह हमें उस बॉक्स के ऊपर खड़ा होना, उसके बाद तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ तो यार फाइनली देखो बॉक्स के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे बॉक्स को रखना है, बॉक्स रखा गया, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा इसके लिए, और यही सबसे मेहनत वाला काम है यार, अगर ये तुम लोग कर लिए ना इसके बाद पीटर के रूम के अंदर जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। सो अब ये तो रखा गया,
अब पीटर के रूम के अंदर जाना बाकी है। सो इसके लिए हमें यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे चढ़ते एक और छलांग लगाते हैं, इस पे आओ और थोड़ा सा झुक जाओ, उसके बाद आगे जाना है धीरे धीरे, कहीं गिर ना जाओ बीच में यार, संभल के चलो। अबे यार उस्ताद, ये तुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, अपने ऑडियंस बहुत ज्यादा होशियार है यार, समझा करो ना यार। चल ठीक है लेकिन बताना अपना फर्ज बनता है ब्रो। सो यार यहाँ से तो गिर गए, लेकिन इस बार यहाँ से चलते हैं। सो यहाँ पे आके अब धीरे धीरे हम लोग को यहाँ पे आना है, और यार तैयार हो जाओ और पीटर के रूम के अंदर जाने के लिए। सो यार उसके लिए मुझे थोड़ा सा झुकना पड़ेगा शायद। हाँ यहाँ पे आ गए, और थोड़ा सा झुको इस जगह पे, बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा झुकना है, उसके बाद अंदर जाने की कोशिश करो। और यहाँ से शायद अपना ग्लिच होने वाला है, और यहाँ से यार देखो थोड़ा थोड़ा ग्लिच हो रहा है, और देखो यार यहाँ से पूरा पीटर के रूम के अंदर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। और अभी तो फिलहाल खिड़की दिख रहा है, इसके अंदर जाना अभी बाकी। क्या बात है उस्ताद, ये तो सच में ग्लिच हो गया है। लेकिन साला ये अभी तक समझ में नहीं यार, पीटर ने इस रूम के अंदर छुपा क्या रखा है, साला अभी तक दरवाजा नहीं खुल रहा है। वो भी समझाऊंगा यार रेंचो, लेकिन अभी तक यार देखो अपना ग्लिच पूरा नहीं हुआ है, शायद हम लोग गलत जगह से आ गए, और इसके लिए मुझे एक बार नीचे जाना पड़ेगा, हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। यार उस्ताद कोशिश करते रहो यार, आराम से होगा यार, वो कहानी सुनिए यार उस्ताद, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती यार। अबे सिखा मत, कोशिश ही तो कर रहा हूँ यार, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा, लगता मुझे दोबारा करना पड़ेगा। यार इतनी देर में तो अंदर चले जाना चाहिए था यार, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं जा रहा, इसका मतलब यार हमें दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें फिर से यार नीचे जाना पड़ेगा शायद। नहीं हम लोग यहीं पे हैं, तो सबसे पहले बॉक्स के ऊपर चढ़ते हैं। सो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर आने के बाद एक बार खड़ा होना पड़ेगा। सो यहाँ से क्राउच करके ही जाना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं होगा। सो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर तो आ गए, और अब हमें झुक के आगे जाना पड़ेगा, तब होगा जाके। यार यार कई कई बार में ना बहुत जल्दी हो जाता है, और कई कई बार में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सो एक बार मेहनत तो करना पड़ेगा, इतनी जल्दी हम लोग अंदर नहीं जा सकते शायद। और इस बार यार हम फंस चुके हैं, और हमें जंप करना पड़ेगा यार, जाओ जाओ जाओ। अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अभी जाने वाला था बस। देखो यार थोड़ा सा मेहनत तो कर लगेगा ही, देखो किसी किसी बार ना बहुत जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे आके जैसे जंप मारोगे ऑटोमेटिक यार उसके छत के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ तुम ट्राई करना, शायद हो सकता है तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाए, या फिर लेट भी लग सकता है यार, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था, फिर भी मैं उतना जल्दी नहीं आ पा रहा हूँ। अभी देख रहे हो ना ये ग्लिच ऐसा है ना, जिसको करने के लिए थोड़ा सा यार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सो यार यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा तनिक सा भी मिस्टेक ना बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर देता है यहाँ पे, और हम लोग यार यही मिस्टेक के कारण अंदर नहीं जा पा रहे हैं, लगता है फिर से ट्राई करना पड़ेगा। और यार वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, शायद एक बार तुम लोग ट्राई करके जरूर देखना, शायद हो सकता है यार तुम लोग एक बार में ऊपर चले जाओ, क्योंकि मैं ऊपर गया हूँ ब्रो, और नीचे नहीं आ सकता ऊपर जाने के बाद। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद जाना, और ट्राई ज़रूर करना ब्रो।